एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। तो अभी एकदम दोपहर का टाइम है, चिलचिलाती धूप है और हम लोग निकल पड़े हैं शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ स्कूटी से और अमीषा एंड हिनल अपनी दूसरी स्कूटी लिए हैं। तो बस यहाँ पे मैंने, हिनल ने और मतलब जितने भी हम सब लोग हैं, सब लोगों ने अच्छे से अपना फेस वगैरह कवर किया है, बट फिर भी जितने भी हाथ खुले हुए हैं ना, उन पे इतनी ज़्यादा तेज़ धूप लग रही है ना, क्योंकि धूप ही बहुत ज़्यादा है। तो लंच वगैरह करके हम लोग निकल आए हैं। देखिए अभी धूप ना बहुत तेज़ थी, तो फिर हम लोग ना बच्चों को लेकर के नहीं आए। बच्चे आराम से एसी में सोएंगे और हम लोग आराम से फ्री होकर के अपनी शॉपिंग करेंगे। दोपहर में ना काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाता है, भीड़ भी कम होती है, और शाम को क्या होता है ना, बच्चे साथ में आते ही आते हैं, इसलिए हम लोग बच्चों को नहीं लेकर के आए। फाइनली हम लोग पहुँच गए एक पैंटालून मॉल, जहाँ पर हम लोगों ने कलेक्शन देखा। चलो आज पिक्चर बैठे बता ऊपर, अरे छः क्या छः सर अच्छे में और मैं आपको सच बात बताऊं, ये जो पैंटालून मॉल है जहाँ पर अभी मैं घूम रही हूँ, यहाँ पे कलेक्शन तो बहुत सारा था, बट मुझे ना सच्ची में बिल्कुल अभी अच्छा नहीं लग रहा था। एंड जो भी हम लोग एक्सपेक्ट करके आए थे कि चलो यहाँ पे अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ पर आके हम लोग बिल्कुल निराश हुए। हाँ, बट ट्रेन वगैरह बहुत अच्छी मिली, एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली, जहाँ पर कि ट्रेन में जा कर के, एंड जैसे आप ट्रेन होते ना वैसे उस तरीके से सीट वगैरह होती है बैठने का, सीटिंग अरेंजमेंट, एंड वहाँ पर जाकर आपको पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर करना होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी घूमी। देन फाइनली हम लोग यहाँ पर आए हैं ज़ूडियो, एंड ये ज़ूडियो का जो कलेक्शन था मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। मीन्स भले ही छोटा सा था, कलेक्शन बहुत कम था, बट इतने सारे ऑप्शन थे एक छोटी सी जगह, एंड बहुत अच्छे से इन लोगों ने यू नो वेलकम किया, नमस्ते कर करके। एंड देन हम लोग यहाँ पर आए, एंड कलेक्शन ओ माई गॉड, बहुत अमेजिंग कलेक्शन था। एंड यहाँ से मैंने ढेर सारे कपड़े, मैंने, हिनल ने, अमीषा ने, हम तीनों लोगों ने परचेस किए। तो यहाँ पर मैं अपनी टी शर्ट्स एंड जीन्स वगैरह देख रही थी। एक्चुअली मुझे ना यहाँ पे वेस्टर्न वेयर बहुत अच्छा कलेक्शन लगा। सबसे अच्छा कि ना यहाँ पे साइज़ सबसे छोटी से छोटी एंड सबसे बड़ी साइज़ यहाँ पे अवेलेबल थी, सो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड यहाँ पर ये सेकंड डे है और अभी मैं रेडी हो रही हूँ। आज मैंने पहनी है ये वाली येलो साड़ी विथ रेड ब्लाउज़। तो यहाँ पे मैं अपने बालों को झड़ाते हुए अच्छे से यू नो ड्राई करते हुए, टॉवल ड्राई करते हुए रेडी हो रही हूँ। एंड यहाँ पे मौसम देखिए, ना ही तो गर्मी है ना ही तो धूप है, पता नहीं अजीब सा ही मौसम हो रखा था आजकल। तो बस यहाँ पे मैंने अपने कपड़े भी डाल दिए ड्राई होने के लिए, फिर अंदर आकर के मैं जल्दी जल्दी रेडी हो रही हूँ, क्योंकि मुझे जाना है भैया के घर। भैया के वहाँ से फ़ोन आया था कि आज का लंच उन्हीं के वहाँ पर है, तो बस मैं रेडी हो रही हूँ। मेरा और अमीषा का वहीं इनवाइट है, हम दोनों ही लोग तो वहीं पर जाएंगे। बच्चों को मैंने पहले ही रेडी कर दिया। तो दोपहर के बज रहे थे 12 और हम लोग घर से निकल आए थे लंच के लिए। धूप ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो रखी थी, तो हम लोग फोर व्हीलर से ही आए हैं, टू व्हीलर से तो बनेगा ही नहीं। बच्चों को लेकर के धूप में तो जाना मीन्स बीमारियों को घर देना, इस तरीके से हो जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। छप्पन भोग तब तो खबर तब से आ गई एकदम भीड़ लग गई ऐसा भीड़ है। हैप्पी बर्थडे, भीड़ है, भीड़ पी ल
पी ला हमने भाविन पे वादा होता नीचे। हम लोग आ गए थे दोपहर को ही घर पे एंड अभी शाम का टाइम है, शाम की दियाबाती हो चुकी है। दोपहर को आते ही हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया एंड मुझे गले में थोड़ा सा खराश टाइप का हो रहा है तो मैं जोर से बोल भी नहीं पा रही हूँ। और यहाँ पे अभी मम्मी जी बना रही है चीकू का शेक, जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसकी रेसिपी। चीकू शेक ना एक ऐसी चीज़ है कि कुछ भी नहीं है ना घर में, अगर आपको चीकू पसंद भी नहीं है तो आप इस तरीके से शेक बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ चीकू शेक की अमेजिंग रेसिपी। तो यहाँ पर क्या है ना, चीकू को हम लोगों ने वॉश कर लिया एंड इनके जो छिलके वगैरह वो मम्मी निकाल रही है एंड एकदम पतले पतले से छिलके जो होते हैं ना तो वो निकाल देने एंड इसके बाद इसके बीच भी अलग कर देने और आपको रफली चॉप कर देना है, जैसे भी आप चॉप करना चाहो उस तरीके से चॉप कर देना है। और मिक्सर ग्राइंडर में ले लिया है चीकू एंड 2-3 आइस क्यूब एंड शुगर इस तरीके से, और अच्छे से अब इसको ग्राइंड कर देना है बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आने तक। जैसे ही ग्राइंड हो जाए तो ये इस तरीके से टेक्सचर हो जाएगा इसका। आप चाहो तो इस स्टेज पे दूध भी डाल सकते थे मिक्सर ग्राइंडर में, बट क्या होता है ना मिक्सर ग्राइंडर में दूध वगैरह जो क्या होता है ना जम जाता है तो आपका जो जार है वो ख़राब हो जाता है, तो इसलिए ना मम्मी ने दूध ऊपर से डाला है। तो ये जो बोल में जो चीकू का हम लोगों ने मिक्सर निकाला है ना, इसी में अब हम डालेंगे दूध और साथ में अच्छे से मिक्स कर देंगे एंड देन फिर हम लोग सर्व करेंगे। आपको अगर बहुत एकदम चिल्ड पसंद है तो आप इसमें थोड़े से आइस क्यूब भी अभी डाल सकते हो, कुछ ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, बट हमारे घर में एंड स्पेशली मुझे इस तरीके से ही चीकू का शेक पसंद आता है। तो बस यहाँ पे अब सर्व हो रहा है चीकू का शेक। अब हम लोग आराम से एकदम चिल्ड मिल्क जो डाला था ना तो एकदम चिल्ड हो गया था, तो बस ये चीकू शेक अब हम लोग इंजॉय करेंगे। आप भी आइए, हम सब लोग मिलके आराम से इंजॉय करते हैं। अभी बज रहे हैं रात के 10:30-11 बजे का टाइम हो रहा होगा नाइट, तो बस हम लोग ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे चल रही थी अभी बच्चों की मस्ती। दोनों को आराम से लिटाया है हाथ पैर वगैरह धो करके और बस हम लोग भी सोच रहे हैं कि चलो सो जाएं आज जल्दी, वरना इस टाइम तो हम लोग चले जाते हैं गाड़ी वगैरह सीखने के लिए, ड्राइविंग करने के लिए, क्योंकि भैया आ जाते हैं, बट आज भैया है नहीं, वो गए हैं बाहर, तो बिना भैया के गाड़ी की परमिशन तो मिलने वाली है नहीं। तो कोई बात नहीं, आज जल्दी फ्री हो गए तो बस जल्दी सो जाते हैं एंड आज का ब्लॉग यहीं पर स्टॉप करते हैं। मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, जब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, हेल्दी रहिए एंड मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आते हैं नहीं पसंद आते तो डिसलाइक कीजिए एंड या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।